इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। एक्चुअली एक तो ये गाड़ी जो अभी ली है मैंने, ये BM जो ली है मैंने, इसमें ये मैंने ली थी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को घूमने का थोड़ा मन कर रहा था कि इधर उधर मैं घूम के आऊँ। दूसरा मुझे कि एक दो मुझे पर्सनल काम थे घर के, उनमें मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम देना था, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। तो गाइज़ ये मुझे थोड़ा सा काम थे, और अभी भी खैर काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जब हो जाएंगे पूरे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम था। वो शायद महीना दो महीना और लगेगा उन कामों में, बट मैं वीडियोस तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं भेजना स्टार्ट करूँ, मतलब अपलोड करना स्टार्ट करूँ मैं दोबारा, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं आपसे एक बात शेयर करनी थी, मेरा चालान कटा पहली बार न्यूजीलैंड में, तो वो भी ओवर स्पीडिंग का चालान कटा है ट्रक में। तो अब पता है क्या ओवर स्पीडिंग, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी की ओवर स्पीडिंग थी ना, तो आप शॉक हो जाओगे कि इतनी कम ओवर स्पीडिंग पे, मतलब यानी आपका चालान कट गया। तो हुआ क्या कि मैं ना गिस्बॉन जाना था मुझे यहाँ से लोड लेके ऑकलैंड का ना, तो लोड लेके मैं यहाँ से ऑकलैंड के लिए निकला, गिस्बन गया मैं। तो वहाँ पे ना वेटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला कि ट्रक को बाहर पार्क कर लो साइड में, और जब हो जाएगा तो हम आपके आपको बता देंगे कि आप ट्रक अपना अंदर ले आओ। मैंने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने ना ट्रक बाहर पार्क कर दिया, ट्रक पार्क था ऑलरेडी, साइड में था पार्क, ठीक है। पीछे से ना पुलिस की गाड़ी आई, ठीक है, मेरे पीछे लगाई ट्रक के पीछे, और मैं ना नेचुरली एक्चुअली उस टाइम पे निकल ही रहा था ट्रक से बाहर, क्योंकि आधा घंटे करीब हो गया था। तो मैं जाके पूछने वाला था अंदर कि क्या हुआ, ट्रक में कब लेके आऊँ, किस टाइम पे लाऊँ, या अभी और वेटिंग है। तो मैं ये सब पूछने के लिए ना मैं उतर ही था। हुआ क्या, मैं जैसे ही उतरा ना, वो ट्रक के पीछे गाड़ी लाके खड़ा हुआ था, नंबर प्लेट वगैरह नोट कर रहा है उस पर, सब कुछ वगैरह। तो मेरे को देख के आ गया मेरे पास, कहता कि क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, या काम कंप्लीट हो गया है, या ये तुम डिलीवरी की वेट कर रहे हो। मैंने बोला मैं डिलीवरी की वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा स्टॉप है यहाँ पर 10 आवर्स का, उसके बाद मॉर्निंग का पिकअप होगा मेरा, ठीक है। तो कहता अच्छा ठीक है, कहता मुझे अपनी लॉग बुक दिखाओ, अपना लाइसेंस दिखाओ, और उसके बाद कहता मुझे कि ट्रक मुझे खोल के दिखाओ सारा। तो ट्रक में ना DG डेंजरस गुड की प्लेट लगी हुई थी बाहर, तो स्टिकर्स लगे हुए थे, तो वो देख के समझ गया, कहता है इसमें डेंजरस गुड होंगे ना, तो इस करके वो देखने आ गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अपने जो लोग होते हैं ना, अपने लोग फिर भी समझदार होते हैं, लगा लेते हैं उन पे बेल्ट वगैरह, मगर कुछ दूसरे लोग होते हैं ना, वो डेंजरस गुड पर बेल्ट नहीं लगाते, और डेंजरस गुड पर ना बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नहीं लगाओगे तो आपका चालान कटेगा बहुत हैवी, ठीक है। तो वो सब था सीन ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं दिखा देता हूँ खोल के। उसने ट्रक के पेपर्स, ठीक है, मेरा ये मेरी लॉग बुक, मेरा लाइसेंस, ठीक है, लोड पूरा चेक करा उसने, डेंजरस गुड के पेपर चेक करे उसने, पूछा कहाँ से आया ट्रक, सारा सब कुछ, टायर चेक करे, ठीक है, और लाइटें चेक करी, हॉर्न चेक करा, वाइपर चेक करे, ठीक है, ट्रक के अंदर घुस के अंदर सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या चेक कर रहा था अंदर से घुस के, ठीक है, टायर की डेप्थ देख रहा था, वो डाल डाल के, पता नहीं कुछ इनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डाल के चेक कर रहा था कि कितने गहरे टायर हैं, मतलब नए हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती हैं चेक। तो ये सब चेक करने के बाद ना मेरे को बोलता कि फिस ओके, कहता कि आप ठीक हो तो फिस ओके, आप निकल जाओ। बस एक ना एक टायर था पैसेंजर साइड पे, उसमें ना कट लगा हुआ था, वो शायद आते हुए ऑकलैंड से आते हुए गिस्बन जब मैं आ रहा था, कट लग गया था हल्का सा इतना बड़ा टायर पे, वो रिप्लेस होना था टायर, ठीक है। तो उसको देख के कहता इसको चेंज करवा लेना। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो उसने बोल गया ना मुझे थम्सअप कर दिया। तो जब ये सब हो रहा था ना, तो मेन फ्लेट का कोई मैनेजर या सुपरवाइजर वगैरह था, वो भी आ गया था उधर, वो देख के बोलता कहता जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए अंदर आ जाना ट्रक लेके। मैंने बोला ठीक है, मैं गया अंदर, ठीक है, डिलीवरी हो गई, ट्रक को पार्क कर दिया मैंने। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ना मैंने जाके 6 AM जाके लोड को पिकअप कर लिया, वहीं से पिकअप था पास से ही, 4 किलोमीटर जाके आगे, वहाँ से पिकअप करके मैं आ रहा था 10 बजे मॉर्निंग में। मैं सिटी में ना एंटर हो ही रहा था, गिस्बन की जो मेन सिटी है वहाँ से एंटर हो ही रहा था अंदर सिटी में, ठीक है। और मेरी वो 70 का जोन था, मतलब 70 की स्पीड का जोन था, और मेरी स्पीड थी, मैंने ऑलरेडी इंजन ब्रेक लगाए हुए थे, मैं 100 से मतलब इंजन ब्रेक लगाए हुए थे मैंने, और उसको कम होते होते 70 पे लेके आना था मुझे। तो जब 70 का जोन स्टार्ट होने वाला था ना, तो मेरी स्पीड पहुंच गई थी 74 तक, ठीक है, और वो डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब 75 तक आ गई थी, फिर डिक्रीज़ हो रही थी, 74 तक जा रही थी। सामने से गाड़ी आ रही थी पुलिस की,
उसने वहीं पे लाइटें ऑन कर ली, अपोजिट साइड से आ रही थी वहीं से लाइटें ऑन कर ली और पीछे यू टर्न ले लिया मेरे ट्रक के, और मेरे क्या कहता है पीछे पीछे चलने लग गया। तो पता है यहाँ पे ना रूल है न्यूजीलैंड में कि रोड के साइड साइड में ना येलो लाइन होती है ना, तो डॉटेड येलो लाइन होती है ब्रेक वाली, मतलब ब्रेकड होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बीच में गैप होता है वो लाइनों के। अगर ये लाइनें आपको दिख रही हैं तो आप यहाँ पे ट्रक गाड़ी कुछ भी नहीं रोक सकते आप इस पे। तो वो लाइनें मेरे साइड में लगी हुई थी क्योंकि मैं सिटी में एंटर कर चुका था, तो मैं चाह रहा था कि आगे एक लेफ्ट टर्न आ रहा है मैं लेफ्ट टर्न ले लूँ वहाँ से, क्योंकि मेरे को ना वहाँ पे एक ट्रक स्टॉप था, ट्रक स्टॉप में ना मेरे को ट्रक दिखाना था क्योंकि ट्रेलर के जो ABS हैं वो डाउन हो गए थे दोबारा, तो ट्रेलर नीचे को आ रहा था टायरों के ऊपर, तो वो मुझे दिखाना था इसको। तो वहाँ पे मेरे को लेफ्ट वैसे भी लेना था, ठीक है, तो मैं लेफ्ट मैं लेने जा रहा था, मगर वो पीछे से ना हॉर्न मार रहा है मुझे, वो कह रहा है रोक इधर ही रोक ट्रक को, येलो लाइन पे रोक। मैंने उसको ट्रक को रोक दिया, वो सिंगल वे था, ठीक है, सिंगल जाना सिंगल आना, इतना बड़ा ट्रक है, इतना वाइड ट्रक है, मैंने रोक दिया बीच में, पीछे जाम लग गया। इस साइड से आया पैसेंजर साइड से, गेट खोल के कहता कि 5 stopped you बिकॉज यू वर डूइंग ओवर स्पीडिंग। मैंने बोला ओवर स्पीडिंग, ट्रक को पुलिस वाले बहुत कम रोकते हैं, सही बताऊं इतने जो बड़े ट्रक जो होते हैं ना इनको बहुत कम रोकते हैं, सिटी में ऑकलैंड ऑकलैंड में रोक लेंगे जो लोकल चलते हैं, मगर हाईवे पे चलते हुए ट्रक को बहुत कम रोकते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर चांस है, बहुत ही बड़ी आपने मिस्टेक कर दी होगी ना, अगर किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर मिस्टेक कर दी होगी सीरियस तब आपको रोकेंगे पुलिस वाले। तो मैंने लगा ओवर स्पीडिंग इतनी, मैं मेरे को लग रहा है कि मैंने 15-20 की स्पीड ज़्यादा कर दी है क्या, मतलब जैसे 70 का मैं 100 पे लेके आ रहा था क्या, मुझे लगा ऐसा। तो फिर उसने बोला कहता है यहाँ पे लेफ्ट टर्न है वहीं पे लेफ्ट ले लो, फिर उसने मेरे को एक लाइन और बोली मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, और मैं लेफ्ट लेके आगे, मेरे को वैसे भी लेफ्ट ही जाना था, मैं लेफ्ट लेके ना चलने लग गया सीधा, एक लेफ्ट कट और था अंदर, वो मेरे को उसने बोला था कि लेफ्ट लेके दोबारा लेफ्ट ले लेना, मुझे दूसरा लेफ्ट सुनाई नहीं दिया क्योंकि शोर हो रहा था बहुत। मैं लेफ्ट लेके सीधा चलने लग गया क्योंकि सीधा ट्रक स्टॉप भी था, अब वो लेफ्ट ना थोड़ा सा पीछे रह गया मेरे, तो फिर हॉर्न मारने लग गया मेरे पीछे ट्रक के ना, तो यहाँ पे आ गया राइट साइड ये ड्राइवर साइड पे उतर के ना कहता आई टोल्ड यू टू टेक द लेफ्ट टर्न अगेन। मैंने बोला अरे मुझे यहाँ ट्रक स्टॉप पे भी दिखाना था ट्रक, तो मैं इस करके मैं थोड़ा साइड में यहाँ लगा लेता, हमने चलानी तो काटना है साइड में ये रख के ट्रक को, आप काट दो मेरा चलान। कहता नो आई डोंट केयर, पुल ओवर द ट्रक, मतलब पीछे लेके जाओ, रिवर्स करो ट्रक, ठीक है, और टेक द लेफ्ट टर्न। मैं बोला इतना बड़ा ट्रक है आगे से यू टर्न भी नहीं है, अब मैं इसको, कहता रिवर्स करो यहीं से। मैं बोला चलो ठीक है भाई ओके, मैंने बोला रोड रुकवाओ फिर पीछे से गाड़ी हटवाओ मैं करता हूँ रिवर्स। मैं पता है क्या करा, साइड मतलब जो नॉर्मल जाने वाली रोड थी ना वहाँ था, तो वो रोड इस साइड गाड़ियाँ पार्क थी, ट्रक इस साइड पास था, अगर मैं ट्रक एंड ट्रेलर होता क्या कि ट्रक ऐसे ऐसे होता है रिवर्स होता है ना तो जगह चाहिए होती है, मैंने क्या करा पूरा बीच में ले लिया ट्रक और मैंने फिर सीधा रिवर्स करा उसे, क्योंकि जब पीछे जाना ही था उसने रोड रुकवा दी पूरी, तो अब वो करके मैं पीछे लेफ्ट में ले लिया ट्रक, मैंने लगा लिया मैंने रोड के साइड में वहाँ पे जहाँ कह रहा था वो आया उतर के। उसने भी दोबारा सारा चेक करा मुझसे, तो लास्ट डे ना मैंने काम नहीं करा था, मतलब उससे एक दिन पहले ना गिस्बोन आके डिलीवरी करके मैं सो गया, मैंने पूरा दिन कुछ काम नहीं करा, नेक्स्ट डे पिकअप था। मेरे को कहता आपने कल पूरा दिन काम नहीं करा, मैंने बोला नहीं करा। आर यू श्योर, मैंने बोला यस आई एम श्योर, मतलब आप आए ऑकलैंड से आपने डिलीवरी करी और उसके बाद आपने लोड पिकअप करने नहीं गए। मैं बोला मैं नहीं गया। तो कहता फिर क्या कर रहे थे फिर, मैंने बोला मैं लगा के सो गया ट्रक, मेरा नेक्स्ट डे पिकअप था 6 बजे। मैंने बोला वो कहता जब वो कन्विंस हो गया ना, जब मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कहता ओके ठीक है, तो कहता लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को कहता कि मुझे ट्रक के किलोमीटर दिखाओ, पेपर दिखाओ, ट्रक चेक करने लग गया पूरे सारे, लाइटें लूटे सारी सब कुछ चेक करने लग गया मेरे, उसकी फ़ोटो ले ली लॉग बुक की ना, उसकी फ़ोटो ले ली, लाइसेंस की फ़ोटो ले ली, तो सब कुछ चेक करने लग गया, वो ट्रेलर चेक कर रहा। कहता यहाँ क्या करने आए हो, मैंने बोला मेरे ट्रेलर का ABS डाउन हो गया पीछे, वो मुझे चेक करवाना है, वो टायर पर आ रहा है वो ट्रेलर जो है। कहता अच्छा, चेक करने लग गया ट्रक के अंदर क्या है, मैंने ट्रक के अंदर टिम्बर है, नेपियर पोर्ट जा रहा है, इंटरनेशनल पोर्ट कस्टम्स में जा रहा है। तो कहता ओके, तो सारा चेक करने लग गया। फिर कहता मुझे, यानी मैंने ही पूछा उससे, फिर मैंने बोला मैं कितना ज़्यादा था स्पीड में, कितनी स्पीड ज़्यादा थी मेरी। कहता ये 70 का जोन था, आप 74 पे थे। मैं व्हाट, तो मैंने बोला 74, चलो 74 75 यार
मैंने बोला इतना बड़ा ट्रक है भाई, मैंने बोला उसको, मैंने इंजन ब्रेक पर लगाया हुआ था ट्रक, इतना बड़ा व्हीकल है, आने में थोड़ा स्पीड होने में कम होने में टाइम लगता है। नहीं सुनी भाई उसने, बात नहीं सुनी मेरी। वो थोड़ा क्या बोलूँ अब मैं, वर्ड बोलना नहीं चाहूँगा ना, फिर वर्ड बोलूँगा तो फिर वो हो जाता है कि आपने ऐसे बोल दिया वर्ड, आप अगेंस्ट हो इन लोगों के, या ऐसे करके ना, वर्ड बोलना नहीं चाहता, मगर ये मुझे वैसे ही लगा था कुछ इस टाइप का कि जानबूझ के रोक लिया। ठीक है, तो ट्रकों को वैसे कभी इतना कोई रोकता नहीं है, बट फिर कहता मुझे आपका $30 का चलान है और 10 डिमेरिट पॉइंट्स हैं। डिमेरिट पॉइंट होता है लाइसेंस के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कवर करने में साल, 2 साल, 3 साल ऐसे लगते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट होते हैं, 100 पॉइंट अगर आपके कंप्लीट हो गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है भाई। उसके बाद उसने, मैंने बोला चलान काट दिया आपने? कहा हाँ काट दिया, हो गया, आगे घर पे आ जाएगा 14 डेज के अंदर। मैंने बोला ठीक है चलो भाई। तो भाई ऐसे चलान कटा, फिर उसने मेरे को जाने दिया, फिर मैं ट्रक को, मैंने उसका ABS सही करवाया, फिर मैं सारी डिलीवरीज में करके आया। तो फर्स्ट चलान कटा मेरा ये न्यूजीलैंड में, कभी मेरा चलान नहीं कटा। ठीक है, अपनी गाड़ी से भी नहीं कटा चलान मेरा कभी, जो ट्रक में कट गया। ठीक है, तो ऐसे होता है भाई कभी कभार। तो ये आपको अपडेट देना था। वीडियोस आप, मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियोस आएंगी। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया इन चीज़ों के लिए, काम मुझे इंपॉर्टेंट काम होते हैं आपको पता ही है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस में रेगुलर ये रखूँ। तो हाँ, बट जब अब शायद वेनसडे थर्सडे से काम स्टार्ट होएगा दोबारा, तो उसके बाद मैं वीडियोस दोबारा बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको मैं वीडियो वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा और आपको मिलने में लग जाएंगी वीडियोस। जो भी क्वेश्चंस है आपके कमेंट्स में डालते रहना। आई एम सॉरी मैं नहीं देख पाया, कुछ भी नहीं देख पाया, मैं कमेंट्स भी नहीं देख पाया था आपके इतने टाइम से। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट में डालना। ठीक है, मैं आपको अभी दोबारा एक वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट्स के लिए, जो मैं उनको आंसर कर सकूँ। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा अपडेट देना था, जो मेरा चलान कट गया आपके भाई का। बहुत ही दुख हुआ मुझे। ठीक है, मैं लाइसेंस क्लीन करके रखना चाह रहा था, बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ट्रक लाइन में तो चलान कटते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मनो ठीक है भाई, ओके कोई नहीं। ठीक है, तो सही है, तो मैं आपको मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून।